इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 1600 मीटर रनिंग टिप्स के बारे में बताएंगे या बताने जा रहे हैं, जिसको फॉलो करने से आप 3 मंथ के अंदर एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। देखो, जो हमारा रनिंग टिप्स या जो हमारा रनिंग का चार्ट होगा या जो हमारा रनिंग का प्रोग्राम होगा, ये डे बाई डे के हिसाब से होगा और इसमें पर डे का जो शेड्यूल होगा वो हर दिन से भिन्न होगा, यानी कि अलग होगा। जैसे कि संडे का अलग शेड्यूल और मंडे का अलग शेड्यूल, इसी तरीके से 7 दिनों का जो शेड्यूल होगा वो अलग अलग होगा। जिसमें कि सबसे पहले हम बात करते हैं संडे के, ध्यान रखना ये शेड्यूल उनके लिए है जिन बंदों का स्टेमिना इतना हो कि वो बंदे कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग नॉर्मली कर लेते हो, क्योंकि जो बंदे नॉर्मली 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है इस रूल को फॉलो करने में। अब हम यहाँ पे संडे की बात कर रहे थे, जिसमें कि जो हमारा संडे का शेड्यूल होगा वो इस तरीके से होगा। संडे को हमको 1600 मीटर शूट मारनी है और शूट मारने के बाद हमको कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी है। ध्यान रखना, हमारे रनिंग के लिए एक्सरसाइज का सबसे बड़ा योगदान होता है और इसकी अपनी एक अहम भूमिका होती है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि टाइमर का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आप डिमोटिवेट हो सकते हो। महीने में सिर्फ 2 ही बार टाइमर का प्रयोग करें, जिससे आपको अपनी टाइमिंग का पता चलता रहे। और ध्यान रखना, टाइमर का प्रयोग डेली करने से आप डिमोटिवेट हो सकते हो। अब जो यहाँ पे हमारा मंडे का शेड्यूल होगा, इसमें हमको क्या करना है, मंडे को 1600 मीटर नॉर्मल रनिंग करनी है और रनिंग करने के बाद 100 मीटर की 8 शूट मारनी है और उसके बाद 1 घंटे की नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि शूट मारने से आपकी बॉडी में स्पीड आएगी और आपके जो स्टेप हैं वो अच्छे से खुल पाएंगे। अब जो हमारे यहाँ पे ट्यूसडे का शेड्यूल्ड है, ट्यूसडे को हमने क्या करना है, ट्यूसडे को हमने 1600 मीटर फिर से नॉर्मल रनिंग करनी है। नॉर्मल का मतलब तुम ये मत समझ लेना कि वार्म अप करना, 1600 मीटर नॉर्मल का मतलब है कि तुम्हारे अंदर शूट मारने के लिए एनर्जी बची हुई होनी चाहिए। क्योंकि ट्यूसडे का जो शेड्यूल्ड है इसमें आपको 1600 मीटर नॉर्मल रनिंग करनी है और 1600 मीटर रनिंग करने के बाद 200 मीटर की 8 स्प्रिंट मारनी है और उसके बाद कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, जो हमारा वेडनेसडे का शेड्यूल्ड है इसमें आपको क्या करना है, वेडनेसडे को आपको कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग करनी है और उसके बाद कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी है। अब जो आपका यहाँ पे थर्सडे का शेड्यूल है, आपको थर्सडे को क्या करना है, तो आपका जो थर्सडे का शेड्यूल है इसमें आपको 1600 मीटर नॉर्मल रनिंग करनी है और 1600 मीटर रनिंग करने के बाद आपको कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी है। अब यहाँ पे फ्राइडे के शेड्यूल पर आते हैं। अब जो आपका फ्राइडे का यहाँ पे शेड्यूल है इसमें आपको 1600 मीटर नॉर्मल रनिंग करनी है और 1600 मीटर नॉर्मल रनिंग करने के बाद आपको 400 मीटर के 4 शूट मारनी है और उसके बाद आपको 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी है। अब यहाँ पे सैटरडे के शेड्यूल पर आते हैं। अब जो आपका यहाँ पे सैटरडे का शेड्यूल है इसमें आपको 1600 मीटर नॉर्मल रनिंग करनी है और 800 मीटर के 2 शूट मारने हैं और उसके बाद 1 घंटे की एक्सरसाइज। और फिर आगे डे बाय डे 3 मंथ तक सेम रूल फॉलो करना है। और हाँ, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूँ और डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हम तो आपको सिर्फ रूल बता रहे हैं, मेहनत तो आपको ही करनी है और बिना मेहनत के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और ये रूल अगर आप 3 महीने तक फॉलो करते हो तो निश्चित ही 3 महीने के अंदर आप एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। और आपसे एक निवेदन है, हर उस इंसान को ये वीडियो शेयर करो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। जय हिंद, जय भारत।